जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। नेक्स्ट जो ये सेशन रहने वाला है आपका, वो है आपका साइंस का 600 प्लस हम लोग वन लाइनर करेंगे और ये बहुत ही सिलेक्टेड है। एक एक क्वेश्चन जो दो बार, चार बार, पांच बार डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए उनका कलेक्शन है। तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप दरोगा देने वाले हो, स्पेशली आपका BSSC की एग्जाम है या BPSC की एग्जाम है, हर एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखेंगे। बट ये हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, तो एक चीज आप जरूर करें, अगर आपका कोई भी अभी नियर बाय एग्जाम है तो उसके लिए आपका जो प्लेलिस्ट, जो 7 घंटे का हमने जो आपका लूसेंट का जो स्पेशली आपका स्पीडी का जो क्लास लिया था, स्पीडी वाला, ठीक है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है चीजों को, वो देख लीजिएगा। आई गारंटी यू गाइज आपका क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा, नीचे हम प्लेलिस्ट दे देंगे। और एक चीज, जो हमने स्टैटिक जीके का कराया था उसका आपका PDF डल चुका है, टोटली फ्री है, आप लोग जाके उसको एक्सेस कीजिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहला है आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। एकदम हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से डायरेक्टली, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक मिनट आप रुक जाइएगा। और एक चीज और, क्या करें कि पेन पेपर आप लोग लेके बैठे, क्योंकि आप जितना भी पढ़ चुके हो हमेशा, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप भूल गए होगा या आपको नया मिलेगा, तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको रिविजन पे ही फोकस करना है अभी। चलिए देखिए, सबसे पहला है आपका, पहला आपका कि प्रकाश वर्ष, तो जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट होता है, तो याद रखिएगा वो होता है आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है, मतलब दूरी का यूनिट होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक वन लाइट ईयर होता है वो इक्वल टू कितना होता है, तो अगर आपको मीटर में बोलेगा तो याद रखिएगा 9.46 × 10^15 मीटर, और अगर आपको किलोमीटर में बोला कि वन लाइट ईयर कितना होता है तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर। तो मीटर में पूछेगा तो 9.46 × 10^15 मीटर, और किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 × 10^12 किलोमीटर, वन लाइट ईयर इक्वल टू, ठीक है। दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, आप सबको पता है, वो होता है आपका पैरासेक, ठीक है। क्या होता है, पैरासेक होता है, और वन पैरासेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। देखिए यहां लिखा हुआ है वन पैरासेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, और वही वन पैरासेक को अगर हम लोग मीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 × 10^16, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10^16 आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है, 10^16 मीटर। मैं लिख दूंगा अगर कुछ अगर आपको नहीं दिखता है तो, 3 × 10^16 याद रखिएगा, 10^16 मीटर है। उसके बाद है वन पीको सेकेंड बराबर इक्वल टू कितना होता है, तो 10^-12 सेकेंड होता है। याद रखिएगा जितना भी हम आपको करवा रहे हैं ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका ठोस कोण। देखिए एक होता है आपका प्लेन एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। तो अगर प्लेन एंगल का पूछेगा तो आप बोलोगे रेडियन, ठीक है, बट अगर सॉलिड एंगल, दैट मींस अगर आपका सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण का अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे आप, स्टे रेडियन बोलोगे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा एक माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, तो 10^-6 मीटर, वन माइक्रोन, ठीक है। मीटर अगर मैं बोलूं तो कितना होता है, वन माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखिएगा 10^-6 मीटर, बट यहां मिलीमीटर में ऑप्शन में था, तो क्या करोगे फिर से, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो याद रखिएगा वन माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.001 मीटर। देखो थोड़ा समझ के चलना, जहां समझने की जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो 1 माइक्रोन 10^-6 मीटर होता है, अगर मिलीमीटर में करोगे तो × 1000 कर दोगे, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, अश्व शक्ति, तो याद रखिएगा 746 आपका वाट होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा दाब की विमा होती है, तो दाब का जो विमा मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अब यहां थोड़ा समझ लेना, ठीक है, जहां मैं आपको समझा रहा हूं मतलब वहां समझ लेना है, यहां डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात किया, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, तो एक में समझा दे रहा हूं बाकी आप खुद निकालोगे। देखो यहां पूछा है एक अश्व शक्ति हो गया ताप का, उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले उससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला कि ताप का SI और CGS यूनिट क्या होता है। यहां ध्यान देना, अगर आपको SI यूनिट बोलेगा तो हमेशा याद रखोगे केल्विन, ठीक है, और अगर CGS यूनिट बोलेगा तब याद रखोगे सेल्सियस, और याद रखना
केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, थोड़ा फास्ट करेंगे ठीक है। और जो मैं बोल दूं, आप ये हमेशा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे एक भी वर्ड्स मेरे मुख से निकल जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आए हुए। जैसे मैंने क्या बोला कि केल्विन स्केल जो होता है कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक है। तो याद रखना ताप का ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है और आपका सेल्सियस होता है। दाब, दाब मतलब क्या होता है आपका प्रेशर। देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला विमा होती है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके का निकालने बोलेगा और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो तो प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय एरिया ठीक है, बल बाय क्षेत्रफल। फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन होता है। और एरिया मतलब क्या होता है आपका, देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान। और आपका एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, लेंथ स्क्वायर। देखो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से डिनोट करते हैं ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, एल टी माइनस टू से करते हैं ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपका, एल स्क्वायर हो गया, समझ में आया इतना। अब देखो एल दो है नीचे और ऊपर एक है, एक एक तो कट जाएगा और एक एल ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू ठीक है। यही है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये समझ के रखना है, ये पूछा जाएगा। प्रेशर का हो गया किसी का भी निकालने दे सकता है, तो आप याद रखिएगा ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, देखो बहुत मेहनत लगती है, मैं सही बता रहा हूं ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो ठीक है, अगर चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि बेस्ट कंटेंट ड्रीम डोज पे प्रोवाइड किया जाता, तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं एक बार ठीक है। एक बार जो होता है किसका इक्वल होता है ठीक है, तो याद रखिएगा बार जो होता है या पास्कल जो होता है ये कितना आपका, देखिए एक बार की विमा होती है ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, एक बार की विमा होती है मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूला समझ गए ठीक है, कि दाब, दाब है यहाँ ठीक है, दाब मतलब प्रेशर होता है। उसके बाद ग्यारह पे आइए, बल का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक क्या होता है, आप समझ के रखो एसआई और सीजीएस कौन सा पूछ रहा है। अगर आपको एसआई पूछेगा तो याद रखना बल का जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन ठीक है। और वही अगर आपको सीजीएस पूछेगा तो आपको याद रखना है डाइन। और वन न्यूटन हमेशा पूछा जाता है कि वन न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, तो 10^5 डायन होता है, ये चीज भी याद रखिएगा, डायन ठीक है, डायन होता है ठीक है। ए वन बार, वन बार बराबर इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका 10^5। तो मैंने क्या बोला, वन न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10^5 डायन ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं वन बार इक्वल टू कितना होता है, तो 10^5 पास्कल ठीक है। और एक पूछा जाता है वन जूल इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखिएगा 10^7 अर्घ ठीक है। तो याद रखिएगा ये न्यूटन है ठीक है, और डाइन है, ये किसका फोर्स का यूनिट है, ये आपका ऐसा यूनिट है, ये आपका सीजीएस यूनिट है। बार, बार मतलब क्या, प्रेशर का, दाब का, ये बार भी प्रेशर का दाब का यूनिट है और पास्कल भी है ठीक है। उसके बाद जूल, जूल एनर्जी का यूनिट है, और अर्घ, अर्घ भी एक एनर्जी का ही यूनिट होता है ठीक है, ऊर्जा का यूनिट होता है, याद रखिएगा ठीक है। तो एक बार बराबर होता है 10^5 पास्कल, वन न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, सब पूछा गया। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां पूछा है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि मतलब होता है आपका, क्या होता है आपका, सदिश राशि, और एक होता है आपका अदिश राशि। तो सदिश हो गया मतलब ऐसे ठीक है, जैसे कि आपका एक होता है, देखिए स्केल, एक होता है आपका वेक्टर, वेक्टर क्या होता है आपका, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, और एक होता है आपका स्केलर ठीक है। तो अगर मैं स्केलर क्वांटिटी बोलूं ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, जिसको आप सदिश राशि बोलते हो। तो जैसे कि बल हो गया, बल मतलब फोर्स हो गया, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, वेग मतलब वेलोसिटी, उसके बाद संवेग ठीक है, उसके बाद भार, ये सब तो आपको पता होगा, ये हो गया बल। और एक अघूर्णन, अघूर्णन मतलब होता है इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क ठीक है। तो ये जितना भी हमने लिखा है, बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, बल हो गया, और अघूर्णन, अघूर्णन मतलब होता है आपका टॉर्क। तो ये जितने भी है आपके वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा छपता है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दोगे ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, लंबाई हो गया, मात्र दूरी हो गया, सिर्फ दूरी का बात कर रहा है ठीक है। यहाँ कार्य हो गया, हमेशा याद रखना प्रेशर बोले, पावर बोले, एनर्जी बोले, सब ठीक है। मैंने क्या बोला, पावर, प्रेशर, एनर्जी, जितने भी है आपके स्केलर क्वांटिटी है, ये अदिश राशियां होती है। तो कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, दाब, दबाव हो गया, ये जितना भी है आपका
ये है आपका, क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। फिर से मैं बता देता हूं, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, मात्रा, दूरी, कार्य, ऊर्जा तथा दबाव, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि एंगस्ट्रॉम इकाई, एंगस्ट्रॉम इकाई का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है, तो ये है आपका, याद रखिएगा, ये लंबाई का, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो 10^-10 मीटर होता है। वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो आपको याद रखना है 10^-10 मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर पूछे कि एंगस्ट्रॉम का इकाई है कि किसका इकाई है, तो ये लेंथ का, लंबाई का, और याद रखिएगा वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, तो 10^-10 मीटर। और जो आपका तरंग दैर्ध्य होता है उसको किस में नापते हैं, तो उसको एंगस्ट्रॉम में ही नापते हैं, वो भी याद रखिएगा। कोणीय वेग, कोणीय वेग का आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपको याद रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड, कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग मतलब होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो वेग का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होगा, इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंगस्ट्रॉम के बारे में, मैंने बताया था वन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10^-10 मीटर होता है। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए पृष्ठ तनाव हो गया, पृष्ठ ऊर्जा हो गया, या बल प्रवणता हो गया, इसका क्या डायमेंशन क्या है। फिर अगेन वही चीज आपको पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, एफ पाई एल। अब जो जिस तरीके से मैंने सिखाया था, बस फोर्स के जगह क्या लिख दोगे, देखो लिख देता हूं जल्दी, फोर्स के जगह क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या लिख सकते हैं एम, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं एल टी माइनस टू, और नीचे क्या है आपका एल है, तो ये एल एल कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एम वन और टी माइनस टू। तो देखो एम वन टी माइनस टू, एल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ये पता होना चाहिए। यही सब चीजें आपको तो आगे ले जाएगी दूसरों से, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं अगर पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है, एफ वाई एल होता है। और यही पृष्ठ तनाव का अगर मैं बोलूं कि इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव से दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जो बूंद होता है, ठीक है, बारिश का बूंद गोल क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और एक चीज याद रखिएगा, आपका जो बॉल पेन होता है वो किस पे काम करता है, तो याद रखना जो बॉल पेन होता है वो काम करता है आपका पृष्ठ तनाव पे, सरफेस टेंशन पे। बट अगर आपको बोले कि फाउंटेन पेन किस पे काम करता है, तो केसिका सिद्धांत पे, मतलब कैपिलरिटी एक्शन पे, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपका बहुत सारा जब मच्छर फैल जाता है, ठीक है, आपके पानी में, तो उसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, किरासन मिला देते हैं, ताकि पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाए और मच्छर उसमें डूब के मर जाए। इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो कपड़ा धोते हैं, ठीक है, कपड़ा धोते हैं, तो उसमें से गंदगी जो निकलता है, क्यों निकलता है, ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें, बट इतना आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है, जो बोला हूं प्लीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद वन एंगस्ट्रॉम हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, ठीक है, पृष्ठ तनाव के बारे में आप समझ गए, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद आता है ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। बोलो क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण त्वरण का हम लोग बात करते हैं, जिसका हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात करते हैं, तो मतलब क्या, वो कौन है जो हमारा अर्थ अपनी तरफ घिसता है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। बट याद रखिएगा, यही केस अगर आपको लिफ्ट वाला दे दिया जाए, बोलते हैं ना लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन है, जिसमें त्वरण है, तो उसमें आपका वेट क्या हो जाएगा, आपका वेट बढ़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर फेकिबल, आप समझ गए। वेग तथा त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है, वेग का आपको पता है वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये सब बेसिक चीजें एकदम, बट ये सब पूछा गया है, ठीक है। चलिए एकदम आज आप लोगों के साथ मिलके साइंस का ये चीजें कंप्लीट हमें करनी है, बस आप इतना याद रखना, भागना नहीं है, ठीक है, डट के रहना है, पूरा चीज कंप्लीट करके जाना है। बाकी आप बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद आपका 1 kg राशि का वजन होता है। देखो वजन का यहाँ बात कर रहा है, वेट का बात हमने आपको समझाया था। देखो जब द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान एम है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, बट आपका भार का यूनिट होता है न्यूटन। क्यों? क्योंकि जब द्रव्यमान में हम जी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस गुरुत्व त्वरण मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये आपका क्या बन जाता है, आपका भार, वेट बन जाता है। समझ के रखो, नहीं तो आधा से ज्यादा बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता है कि जो आपका भार है वो वेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आपका जो भार है जब उसमें जी मल्टीप्लाई होगा तब आपका वो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान में जब जी मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका भार बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 kg है, 1 kg है यहाँ, ठीक है, 1 kg, इसमें क्या होगा, जी मल्टीप्लाई होगा, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, तो टोटल कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आइए सेकेंड में 23, एक वस्तु का भार अधिकतम होता है,
याद रखिएगा, आई थिंक ये मिस प्रिंट है यहाँ, ठीक है। एक वस्तु का अगर मैक्सिमम भार जो होगा, ठीक है, कहाँ होगा, अगर पूछा जाए कि एक वस्तु का भार, ठीक है, अधिकतम होता है तो ये निर्वात में होगा। निर्वात में क्यों होगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि एक वस्तु का भार आपका सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? आप सबको पता है, वो होता है मोमेंटम, दैट मींस हम उसको बोलते हैं संवेग, ठीक है। उसके बाद याद रखिए, जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक है। सब वो लॉ किसने दिया था? तो याद रखिएगा वो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। इसलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, जो जड़त्व वाला जो बात करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? न्यूटन का लो तो हम बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लो, प्लस उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलीलियो लो। एक चीज और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गति, बोलते हैं ना लो ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन जो गति का नियम था वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा वो आपका न्यूटन जी ने दिया था। बट क्वेश्चन ये पूछा गया था बीपीएससी में कि डेफिनेशन जो डिफाइन किसने किया था स्पीड को, तो याद रखिएगा गैलीलियो ने किया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, गति का नियम दिया था, याद रखिएगा न्यूटन ने, गति का नियम बोले तो न्यूटन बोलोगे, गति का डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया था तो गैलीलियो बोलोगे। रॉकेट का पलायन आधारित होता है, रॉकेट जो उड़ता है कौन से सिद्धांत पे बेस्ड होता है? तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले तो ये याद रखोगे, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, ठीक है। तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, और दूसरे तरीके से अगर हम लोग बात करें तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उस पे बेस्ड होता है। तो ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है आपका, क्या आपका रॉकेट का जो पलायन होता है। प्रक्षेपपात, प्रक्षेपपात जो होता है वो क्या होता है? तो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज को आप पैराबोलिक में फेंकते हो तो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरता है, इसीलिए प्रक्षेपपात जो पथ होता है, ठीक है, जो पात होता है वो क्या होता है? हमेशा परवलयकार होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, जी का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आइए 30 नंबर पे, जी का अधिकतम तथा न्यूनतम कहाँ होगा? तो जी आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ये होगा आपका ध्रुव पे, पोल पे होगा, और सबसे कम कहाँ होगा? तो भूमध्य रेखा पे होगा, ठीक है। मैंने आप उसको फॉर्मूला भी आपको समझाया था, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ये है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, ये है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट जी, और ये है मास ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा, ठीक है। तो जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम कहाँ होगा? तो अधिकतम होगा पोल पे और न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पे, ठीक है। जी का मान शून्य होता है, तो जी का मान जो शून्य होता है, याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है, याद रखिएगा। अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तभी भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के नीचे जाएंगे तभी भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी का मान, इसका जी का मान जीरो कब होगा? पृथ्वी के केंद्र में होगा, ठीक है। प्लीज समझ लेना, ठीक है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ सबसे कम है, कहाँ जीरो है, कहाँ जाएंगे तो घटेगा, कहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। और जी का मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको समझाया था। उसके बाद करते हैं भू स्तरीय, जो आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा जो आपका भू स्थिर उपग्रह है, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ठीक है, वो कितने ऊपर रहती है हमसे? तो याद रखिएगा ये रहते हैं आपके 36, ठीक है, इकाई दहाई सेकंड, 10,000, 36,000 किलोमीटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इकाई दहाई सेकड़ा हजार 10,000, याद रखना ये 10,000 है, ठीक है, हमेशा 36,000 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर रहता है हमसे, ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर रहता है। और इसको टाइम कितना लगता है चक्कर लगाने में? तो याद देखिएगा 24 घंटा लगता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसका डायरेक्शन क्या है आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का चक्कर लगाने का? तो जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमता है उसी के हिसाब से, मतलब ये वेस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। ये तीन क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग, याद रखिएगा द्रव्यमान भी जो आपका जो चंद्रमा का है कम है, ठीक है, प्लस वहां जो जी का वैल्यू है, छोटा वाला जी का, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का, वो भी कितना होता है? 1/6 होता है। अगर अर्थ पे कितना है, अगर 6 है तो वहां कितना होगा? 1 होगा, मतलब अर्थ पे जितना वैल्यू है स्मॉल जी का, उसका 1/6 भाग होता है आपका कहां? मून पे होता है। और अगर वही द्रव्यमान की हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितना होता है? 1/81 पार्ट ऑफ
अर्थ का होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, सन से जो सन से लाइट आता है अर्थ पे, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है, तो 500 सेकेंड लगता है सन का जो रे से धरती पे आने के लिए, बट 500 सेकेंड लगता है किसमें, याद रखना सब पूछा गया है, ठीक है, सन को, सन का रेज आने में। वही अगर मैं बोलूं कि चंद्रमा का रेज आने में कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखोगे आप लोग, एक याद रखोगे 500 सेकेंड और एक याद रखोगे 1.3 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आइए गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, आप सबको पता है, ये किया था आपका न्यूटन ने। और याद रखना ये वाला फॉर्मूला आपको पक्का पूछा जाएगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, ये है आपका ये इसका फॉर्मूला एफ इक्वल टू जी कैपिटल जी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है, जल्दी से कमेंट करोगे, बहुत बार ये पूछा गया, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा ये किसने किया था, न्यूटन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सॉल्व इट करके जाना है, ठीक है। एफ इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, याद रखिएगा। दुनिया में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है, कि हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जितना भी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो किस फोर्स से दिया जाता है, तो एफ इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका, तो जी का आप यूनिट मुझे निकाल के बताना कि जी का वैल्यू क्या है, ठीक है, इतना तो करोगे, ठीक है। भूस्तरीय उपग्रह हो गया, कि परिक्रमण काल कितना होता है, तो 24 घंटे होता है, कितना ऊपर है, तो 36,000 किलोमीटर ऊपर है, पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो 1/81 है। उसके बाद याद रखिएगा जो गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, जी का वैल्यू क्या होता है, वो घटता है, आप याद रखोगे। पृथ्वी तथा सौर मंडल के लिए पलायन वेग, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, पलायन वेग मतलब क्या होता है, स्केप वेलोसिटी। तो अर्थ का जो स्केप वेलोसिटी कितना है, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ का स्केप वेलोसिटी क्या है, मतलब अर्थ से बाहर आपको अगर मुझे स्पेस में भेजना होगा तो स्केप वेलोसिटी कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वही अगर मैं मून का बात करता हूं तो ये होगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब लिख लेना। वही सौर मंडल का अगर मैं बात करूं तो मैन आपको याद रखना ये वाला और ये वाला, अर्थ पे कितना है तो 11.2 और मून पे कितना है तो आपका 2.37 और ये सौर मंडल 42 किलोमीटर पर सेकेंड, आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों याद रखना। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, याद रखना यहाँ भार बोला है, यही अगर द्रव्यमान बोलता तो पृथ्वी पे जितना द्रव्यमान है आपके मून पे भी उतना ही द्रव्यमान हो, पर यहाँ क्या बात किया है, भार मतलब वेट का बात किया है, तो अगर यहाँ जितना भी है मून पे कितना हो जाएगा उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब 1/6 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 600 है तो उसका 1/6 हो जाएगा, छठा भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा न्यूटन आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है, कार्य मतलब होता है आपका वर्क और आपका ऊर्जा मतलब होता है आपका एनर्जी। इसको मैंने कैसे समझाया, सिंपल है, वर्क और एनर्जी का हमेशा यूनिट सेम होता है, वो क्या होता है आपका जूल, जूल होता है। और मैंने ये भी समझाया था जूल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। कैसे, वर्क मतलब क्या होता है, वर्क मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को क्या लिखते हैं, मीटर। तो यही न्यूटन मीटर क्या बन जाता है, आपका जूल बन जाता है। समझ के थोड़ा अगर पढ़ोगे ना तो कभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गया, ये हो गया आपका, और कार्य तथा ऊर्जा वाला भी आप समझ गए, चलिए आगे आते हैं, ठीक है। तो समझ के याद रखना है कि आपको न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। आप सिर्फ रटे नहीं हो, आप चीजों को समझे भी हो तो कभी भूलोगे नहीं, चलिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका गति का नियम, ये सब हो गया आपका पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग मैंने आपको करवा दिया। यहां से आइए, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार 600 हो गया। एक उसके बाद एक कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो मैंने बोला था जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, ये भी चीज मैंने आपको समझाया था। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10^7। 1 जूल इक्वल टू मैंने क्या समझाया था, 10^7 अर्ग होता है। क्या होता है, 10^7 अर्ग होता है, तो ये याद रखेगा, 10^7 अर्ग होता है, याद रखेगा। उसी तरीके से मैंने आपको क्या समझाया था, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10^5 डायन होता है। 1, चलो पीछे मैंने जो समझाया देख लेना एक बार, घिंचे हुए रबर, घिंची हुई धनुष तथा घिंची हुई
जो भी खींच के रखा है ना उसमें क्या होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, अपने स्पेस जगह से, ठीक है, किसी दूसरे स्पेस में जाके वो रुका हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, तो उसमें होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, याद रखिएगा, मास, जी मतलब ग्रेविटी और एच मतलब कितना ऊपर है वो, कितना दूर वो खींचा गया है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, अब याद रखिएगा, यांत्रिक मतलब आपको मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो डायनमो करता है, या यहां लिखा हुआ आपको जनरेटर आ सकता है। वही उल्टा बोले के अगर बोले तो कि आपका मैकेनिकल, यहां क्या बोला है कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कर रहा है, आपका डायनमो। वही अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपको याद रखना है मोटर। अब दो चीज मैं यहां बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको बोलेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना जनरेटर से, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। और अगर बोले कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये किससे रिलेटेड है, तो आपका मोटर से, लेफ्ट वाला मोटर, राइट वाला जनरेटर, पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, जो भी बता रहा हूं बस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे चीजें आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब यहां देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा आपने समझ गए, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बस याद रखना, वो कुछ भी बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए, वस्तु का चाल अगर हम लोग आधा कर देता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम घट जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर है। वही अगर हम लोग चाल बढ़ा देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, क्योंकि वी के जगह टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी के जगह टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर चार हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, आप सबको पता है वायुमंडल दाब का क्या होता है, मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, यह है आपका बार होता है, ठीक है। और वायुमंडल दाब मापा जाता है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है, और आपका जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, ठीक है, जिसको आर्द्रता बोलते हो, अपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, जो आपका आर्द्रता है वो किससे नापा जाता है, तो आपको याद रखना है हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है, याद रखना। अब दो चीज याद रखना, सबसे पहले याद रखना कि अगर कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, किसी भी तरल में, ठीक है, किसी भी लिक्विड में, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। बट वही अगर मैं बोलूं कि अगर आपका कोई भी अगर अशुद्धि मिलाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब आपका जो गलनांक बिंदु क्या है, तो घट जाएगा। तो अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और अशुद्धि मिलाने से गलनांक बिंदु घट जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, बाकी आप समझ गए होंगे कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है, ठीक है, याद रखिएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो हो जाता है वो आपका घट जाता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है, आपको पता है, एक इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, आपको अच्छे से समझाया था कि इस तरीके से देखो, ये अगर मैं इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो यहां अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस लिखता हूं, तो जब यहां से धीरे 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 यहां तक जब आएगा, ठीक है, तो जो आपका डेंसिटी है, घनत्व है, ठीक है, किसका, आपका वाटर का, यह बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। बट 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ये घटना चालू हो जाएगा, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है, और उसके बाद जस्ट उल्टा हो जाता है, आपका घनत्व घटने लगता है और आयतन उसके बाद बढ़ने लगता है, ठीक है। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, ठीक है। उसके बाद जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है, तो ये आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। बैरोमीटर, ठीक है, अब देखो तीन चीज आपको याद रखना है। मान लीजिए कि बैरोमीटर जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जो नापता है वायुमंडलीय दाब जो नापता है, अगर सडनली वो गिर गया तो मतलब क्या है, आंधी आने वाला है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखोगे कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक सडनली गिर गया, एकाएंक बहुत गिर गया, तो क्या होगा, आपका आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। और अगर धीरे 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 गिर रहा है, ठीक है, उसका, तो क्या होगा, आपका बारिश होने वाला है, ठीक है। और धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका दिन साफ होने वाला है। तो तीनों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोले सडनली गिर गया, ठीक है, आपका क्या
बैरोमीटर का रीडिंग सडनली गिर गया तो आपका क्या हो जाएगा, आंधी आ जाएगा, और बोलेगा कि धीरे धीरे गिर रहा है मतलब क्या बारिश होने वाला है, और धीरे धीरे उठ रहा है मतलब क्या साफ मौसम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सेल्सियस एंड फेरनहाइट स्केल दोनों समान कब होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस में। अब एक चीज याद रखना, दोनों का कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखो एफ -32/9 इक्वल टू क्या होता है आपका C/5, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ -32/9 C/5 याद रखना। फेरनहाइट से हम लोग सेल्सियस डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और केल्विन तो आपको पता है क्या होता है, अगर हम लोग केल्विन से अगर हमें सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या -273 करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका केल्विन है, ठीक है, केल्विन का दिया हुआ, अगर मुझे उसमें सेल्सियस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन छोटा माना जाता है तो -273 करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको सेल्सियस में ले जाना है, तो केल्विन का जितना भी है उसमें आप बस 273 इसमें आप ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्सियस एंड फेरनहाइट स्केल, मैंने आपको समझा दिया -43 के वर्षा की छोटी छोटे बूंद क्यों होते हैं, मैंने आपको बनाया था पृष्ठ तनाव, इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। द्रव बूंद का संकोचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ये सब चीज मैंने आपको समझाया, याद रखना एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले वर्षा की छोटी छोटी बूंदे गोला होती है, गोल क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव द्रव्य बूंद को संकुचित, ठीक है, मिनिमम एरिया कवर करता है। मिनिमम एरिया अगर आपको कवर करना है तो कैसा बनाओगे, कोई भी चीज आप क्या होगा गोल होगा, गोल करना पड़ेगा, तब वो सबसे कम एरिया संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक का अवर्तकाल, जो अवर्तकाल होता है मतलब टाइम पीरियड जो होता है लोलक का कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g, याद रखना टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, अवर्तकाल इक्वल टू होता है टी इक्वल टू 2π√ में क्या लिखोगे L/g, ठीक है, पूरा है L/g। अब 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा गर्मी के महीने में क्या होता है अवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि लेंथ आपका इंक्रीज हो जाएगा गर्मी में, और ठंडे में क्या होगा कि आपका लेंथ जो है, ठीक है, ये कम हो जाएगा, ठीक है, लेंथ घट जाता है, सिकुड़ जाता है कोई चीज, तो अवर्तकाल ठंडे में कम हो जाता है, तो गर्मी में बढ़ जाता है, ठीक है, और ठंडा में घट जाता है, और टी इक्वल टू होता है 2π√L/g, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लोलक का कितना होता है, तो याद रखिए अवर्तकाल होता है इसका 2 सेकेंड होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा आवृत्ति और अवर्तकाल के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला है, आवृत्ति और अवर्तकाल के गुणन फल का मान होता है तो 1 होता है, ठीक है, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड मतलब होता है आपका अवर्तकाल। देखो ये सब चीज बेसिक चीज, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है, आप लोग को एकदम समझ में आता होगा, ठीक है। देखो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा T/F क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा, ताकि जो एग्जामिनर कुछ भी दे दे आपको प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए यहाँ, आवृत्ति और अवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है। ध्वनि, ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम तथा न्यूनतम होती है, आपको सबको पता है कि ध्वनि का जो मैक्सिमम चाल होता है वो कहाँ होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ होगा आपका गैस में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ध्वनि का मात्रक क्या है, ध्वनि का मात्रक होता है, याद रखिएगा, ध्वनि का जो नापा जाता है, एक्चुअली इसका जो तीव्रता नापा जाता है, इंटेंसिटी इस तरीके से बोलेगा, तो डेसिबल में नापा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। ध्वनि चाल होती है, ठीक है, ध्वनि का जो चाल होता है ये दोनों याद रखोगे, ठीक है, ये एयर का दिया हुआ है कि एयर में इसका हवा में कितना चाल होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपको बोले मील में, अगर याद रखना ये तो सबको पता होगा 332 ये भी पूछा गया है, अगर मील में पूछेगा तो 760 से मील पर घंटा कितना है 760 मील पर आवर, याद रखना, और बाकी तो 332 मीटर पर सेकेंड, ये तो सबको पता होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ये चाल है किसका, आपका किसका, आपका साउंड का। वही अगर मैं बोलूं कि लाइट का सबसे ज्यादा जो ये होता है स्पीड होता है वो किस में होता है, जैसे कि इसका तो ठोस में होता है, उसका किस में होता है लाइट का, तो याद रखिएगा निर्वात में होता है, किसमें, वैक्यूम में होता है, कितना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले उसका स्पीड किसने नापा था, तो रोमर ने नापा था लाइट का स्पीड, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा
मात्रा होती है। देखो इसको सिंपल सी बात, मैंने आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के बारे में, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा, इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी भी पदार्थ का अगर हम लोग एक ग्राम लेते हैं और उस एक ग्राम का एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बस एक बार आपको वीडियो सब कंप्लीट करना है। तो विशिष्ट ऊष्मा वही होता है, और प्लस मैंने ये भी समझाया था विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट हमेशा पूछा जाता है, वो मैंने आपको क्या समझाया था, जूल पर केजी केल्विन, या मैंने आपको क्या समझाया था, जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस। याद रखना हमेशा केल्विन पे कभी भी डिग्री मत लगाना, केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं आता है और ना ही वो कभी नेगेटिव में जाता है। तो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है मैंने वो भी आपको समझा दिया। देखो पढ़ना ऐसे है कि मजा भी आए पढ़ के, ठीक है, और ऐसा ना हो कि हम लोग रट रहे हैं चीजों को, ठीक है, और जल्दी हमें कंप्लीट भी करना है। चलिए आगे आ जाइए, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां आ जाते हैं। देखिए हमने विशिष्ट ऊष्मा कंप्लीट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, याद रखिएगा जो ताप होता है बॉडी का ताप कौन रेगुलेट करता है, जल्दी से कमेंट करो, मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है, कौन सा भाग है जिसको हम लोग अपना बॉडी का थर्मोस्टेट बोलते हैं, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और याद रखिएगा हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, याद रखिएगा वार्म ब्लडेड एनिमल जो अपना टेम्परेचर हमेशा समान रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिए 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 और 300, तो अगर बोले कि बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में कितना है तो 310, फेरनहाइट में कितना है तो 98.6, और अगर आपको सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। दो समांतर दर्पण के बीच में वस्तु के प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है, मैंने इसका आपको फॉर्मूला से भी बताया था, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा वो लिख के, 360/N अगर आपको याद आ रहा है तो ये अनंत बनता है, ये दोनों याद रखिएगा। कैंडिला, कैंडिला किसका यूनिट है, किसका यूनिट है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का ये यूनिट होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ठीक है, तो जो भी आपका प्रकाश है, ठीक है, कोई लाल है कोई हरा है, ये किस पे डिपेंड करता है तो उसके तरंग दैर्ध्य पे, और तरंग दैर्ध्य कैसे नापा जाता है, किस यूनिट में, तो एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है तो 10^-10 मीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा सबसे न्यूनतम माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, आप जल्दी जल्दी बताइए। देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य का अगर हमें बात करूं, सबसे ज्यादा किस में होगा, आपका लाल रंग में होगा, ठीक है। सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा, सबसे कम फैलाव किसका होगा, तो याद रखिएगा वो लाल का होगा, ठीक है। सबसे कम जो आपका एनर्जी होगा वो किसका होगा, आपका लाल का होगा, तो बैंगनी पे आते हैं। सबसे ज्यादा इसका क्या होगा, स्पीड होगा, अगर बोलेगा सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा तो वो लाल का होगा, ठीक है। बट अगर बोले कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका ज्यादा होगा तो वो बैंगनी का होगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होगा तो वो लाल का होगा। सबसे ज्यादा आपका, चलिए इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे इस तरीके से मैं बोलूंगा, एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो इसको मैंने समझाया था अच्छे से, अगर आपको याद हो, ठीक है, याद है ना, सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य बोले तो किसका होगा, आपका लाल का होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फैलाव किसका होगा, स्केटरिंग किसका ज्यादा होगा तो वो आपका बैगनी का होगा। सबसे ज्यादा स्पीड, किस कलर का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, किस लिए, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो लाल का सबसे ज्यादा होगा। बट सबसे ज्यादा एनर्जी किसका ज्यादा होगा तो वो बैगनी का होगा। फिर से मैंने आपको समझा, अपवर्तांक, सबसे ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है बैगनी का होगा। क्यों, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या होता है आपका, मैंने बताया था इनवर्स रिलेशन होता है, अगर इसका स्पीड सबसे ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, हर एक चीज पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रेडियो में, ठीक है, निर्वात में रेडियो तरंग तथा प्रकाश तरंग, याद रखिएगा रेडियो वेव बोले चाहे हम लोग आपका प्रकाश तरंग लाइट वेव बोले, ये दोनों क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये निर्वात में गमन कर सकती है, और इसका जो हमेशा जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, चाहे वो रेडियो वेव पूछे, चाहे वो लाइट वेव पूछे, चाहे आपका इंफ्रारेड पूछे, चाहे अल्ट्रावायलेट पूछे, ठीक है, ये जितना भी है आपका, ठीक है, जो आपका उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना भी है, सबका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, जितना लाइट का स्पीड होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है प्रकाश की चाल को सबसे पहले नापा था, मैंने बता दिया रोमर ने नापा था, ठीक है। उसके बाद लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो लेंस का आपको पता होना चाहिए, लेंस का जो, देखो पावर ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला याद रखना, 1/F लिखते ना, पावर ऑफ लेंस निकालने दिया होता है, फोकल लेंथ आपको दे दिया जाएगा, फोकल दूरी, ठीक है। अब पूछेगा कि पावर का मतलब पावर निकालो इसका, तो याद रखना पावर इक्वल टू होता है 1/F, और F जो यहाँ होता है हमेशा मीटर में होता है, और याद रखिएगा इसका यूनिट क्या होता है तो डायोप्टर होता है। वही अगर प्रतिरोध का हम लोग बोले
तो यहाँ ओम होता है, याद रखिएगा क्या होता है आपका ओम होता है, ज्यादा नहीं जाएंगे जितना है उतना ही। आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, याद रखिएगा सबसे पहले आंख, आंख अगर आपका खराब हो गया तो किस डॉक्टर से मिलोगे, ऑप्टोमोलॉजिस्ट से मिलोगे। दूसरा आंख का में कौन सा लेंस होता है, तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस होता है। तीसरा आंख का जो आगे वाला, जो सबसे आगे वाला जो पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी जो पर्दा होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, वो क्या है, वो कॉर्निया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का कौन सा पार्ट हम लोग डोनेट करते हैं, तो वो हम लोग कॉर्निया ही करते हैं। और हमारा आंख पे इमेज कहाँ जाके बनता है, तो रेटिना पे जाके इमेज बनता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज, हमारा आंख का कौन सा भाग है जो फिल्म का, जो कैमरा का फिल्म का जैसे काम करता है, तो क्या बोलोगे, रेटिना बोलोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको। चलिए, निकट दृष्टि दोष, ये सब मैंने आपको करवा दिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस। उसके बाद क्या होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको मायोपिया भी हो जाए, आपको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए, मतलब नियर साइटनेस भी है और फार साइटनेस भी है, तब उस बीमारी को क्या बोला जाता है, प्रेसोबायोपिया। और उसमें कौन सा लेंस यूज करोगे, बाइफोकल लेंस यूज करोगे। इसके साथ मैंने एक और समझाया था, जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, तो एस्टिगमेटिज्म जो है, ठीक है, उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो सिलेंड्रिकल लेंस। और याद रखिएगा अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप कभी भी, ठीक है, उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, वो क्या होता है, जेनेटिकली डिजीज होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है उसका डिस्कवर किसने किया था, तो जॉन डेल्टन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्या होता है सामान्य आंख के लिए, ठीक है, मतलब सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम, ठीक है, दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी कितना होता है जिसको आप अच्छे से देख पाओगे, तो 25 सेंटीमीटर। और जो दूर का बोले कि कितना हमारा विजन कैपेसिटी होता है, तो वो इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर और सामने का 25 सेंटीमीटर और दूर का इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राथमिक रंग कहा जाता है, प्राइमरी कलर बोला जाता है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी जिसको लिखते हैं, ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका, तो ऊर्जा का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी को और किसमें बनाया था, न्यूटन मीटर, जूल, ठीक है, ये सब जो है कैलोरी, ठीक है, ये सब जो है हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं, बट ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी का जूल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो याद रखिएगा नर्म लोहल से, ठीक है, सॉफ्ट आयरन से। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध रूप का, शुद्ध रूप का, ठीक है, जो आपका लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉट आयरन, DWROUGHT। ठीक है, देखो लोहा से हमेशा दो क्वेश्चन में हमेशा करवाता हूं, लोहा में पूछा जाता है जंक का फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। मुझसे पढ़े हो, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, सब करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने फिर और आपको क्या करवाया था, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये तीनों का मैंने आपको बताया था, ये हमेशा याद रखना है, ये क्या है, इसका आयसक है। ठीक है, चलो बाकी बहुत चीज है, बट एटलीस्ट इतना तो आप करते हुए चलोगे, थोड़े थोड़े से ही समुद्र बनता है। देखिए, उसके बाद अपवर्तांग, अपवर्तांग मतलब क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सबसे अधिक किसका होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तांग का रिलेशन क्या होता है, जिसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा उसका अपवर्तांग क्या होगा, सबसे कम होगा। अपवर्तांग सबसे ज्यादा किसका था, आपका बैगनी कलर का, वायलेट का था। ठीक है, तो उसका स्पीड सबसे कम होगा, तो यहां पूछा है आपको कि अपवर्तांग सबसे अधिक तथा सबसे कम किस में होगा, तो सिंपल सी बात है, बैगनी में सबसे ज्यादा होगा और लाल में सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि लाल का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और याद रखिएगा लाल जो रंग है सबसे कम फैलाव होता है, मतलब इसमें जो फैलाव मतलब स्केटरिंग जो होता है कम होता है, इसलिए डेंजर सिग्नल के हम लोग हमेशा लाल रंग यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, याद रखिएगा काला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आपका समुद्र की गहराई तथा समुद्र दूरी मापने के लिए कौन सा यूज होता है, तो याद रखिए समुद्र की गहराई को हम लोग किससे नापते हैं, फैथोमीटर से नापते हैं, यहाँ फैथोम लिखा हुआ है, फैथोमीटर से। और दूरी किससे नापते हैं, समुद्र में अगर हम लोग जहाज चला रहे हैं, ऐसे तो रोड पे बाइक चलाएंगे तो किलोमीटर में देखते हैं, बट अगर समुद्र में जा रहे हैं तो उसको हम लोग नॉटिकल माइल बोलते हैं, और 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हाइड्रो, ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ना, ये किस पे काम करते हैं, तो याद रखिएगा पास्कल के फिलोसफी पे काम करता है, पास्कल के नियम पे काम करता है। याद रखना, जब भी जो सी डाइव, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं, वो अपने जो सिलेंडर में कौन सा गैस ले जाते हैं, तो हीलियम एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके ले जाते हैं। सोल्डरिंग, जो सोल्डरिंग करते हैं ना, सोल्डरिंग उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है सोल्डरिंग करने के लिए, तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का यूज किया जाता है। कुछ कुछ चीज है जो मैं बता दे रहा हूँ,
ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ये डायरेक्टली आप एग्जाम में छपेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, चलिए आ जाइए आप यहाँ। उसके बाद प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, मैंने बता दिया यहां तक सब हो गया, दीर्घदृष्टि हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्टा हो गया आपका, अपवर्तांक सबसे ज्यादा होता है, समुद्र की गहराई फेथोमीटर से नापा जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में हमने बात की, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का क्या है, डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, देखो ये सब जैसे मेरे टंग पे है आपके भी टंग पे होना चाहिए, नहीं पता हुआ क्या पूछ लिया जाएगा, क्योंकि टंगस्टन का बार बार पूछ रहा है ये फिलामेंट में यूज करता है, तो सिंपल से बात अगला बार पूछ लेगा इसका एटॉमिक नंबर क्या है या उसका सिंबल क्या है, तो इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना हीटर, हीटर में जो आपको यूज किया जाता है क्या होता है, तो निक्रोम होता है, निक्रोम ये मिक्सचर है। ठीक है, तो निक्रोम का तार बनाया जाता है, फ्यूज तार, फ्यूज जो होता है किससे, तो लीड एंड टीन, फ्यूज जो होता है किससे, फ्यूज वायर बनता था, आजकल नहीं यूज होता, आजकल क्या यूज होता है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, एमसीबी लगाया हो तो वो यूज होता है। तो प्रतिरोध, अब यहां पूछा गया है कि सबसे पहले तो ये एक एक क्लियर करो कि फ्यूज टायर किससे बना होता है, तो लीड एंड टीन से बना होता है। और एक पूछा जाता है आपका बेल मेटल, बेल जो बनता है, ठीक है, बेल वो किससे बना होता है, तो कॉपर एंड टीन, ये दोनों याद रखोगे। अगर आपको पूछेगा बेल मेटल तो याद रखिएगा बेल धातु जो बना होता है वो कॉपर एंड टीन से बना होता है, और अगर आपका फ्यूज का टायर जो बना होता है वो लीड एंड टीन से बना होता है। और याद रखिएगा इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसका गलनांक बिंदु होगा वो बहुत कम होगा। तो यही लिखा हुआ है, प्रतिरोध उच्च होगा बट इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, आगे चलते हम लोग। देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कमरे, ठीक है, जो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाएगा तो पूरा गर्म ही हो जाएगा, कि गर्म होगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल याद है कि कमरे में रखा अगर रेफ्रिजरेटर है आपका, फ्रिज है, अगर उसको खोल दोगे तो आपका क्या होगा, वो जो है आपका वो गर्म हो जाएगा, और जो है गर्म हो जाएगा। ठीक है, दूध से क्रीम, दूध से अगर क्रीम निकाल लेते हो तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें कौन सा बल लगता है, तो ये याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल से हम लोग क्या निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं। अब अपकेंद्रीय बल से दो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो किस फेनोमेना पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। हम लोग जो कपड़ा सुखाते हैं वो किस बल पे काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल पे काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे। उसके बाद है आपको अगर इको सुनना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि, अगर आपको सुनना है तो एटलीस्ट कितना दूर अगर आपको रहना पड़ेगा आपके ऑब्जेक्ट से, तो याद रखिएगा 16.5 दिया होगा या 17 मीटर आपको दिया होगा, ये चीज आप याद रखोगे। ठीक है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है कितने देर तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन 1/10 से मुझे याद आ गया, पूछा जाता है जो हम लोग आइस जो होता है ना, जो बर्फ नहीं, जो आइस मतलब जो समुद्र में तैरने वाले जो आइस होता है अंटार्कटिका वाला, ठीक है, तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर तैरता है, तो याद रखिएगा 1/10 भाग ही तैरता है, याद रखिएगा, मतलब 0.1 भाग। ठीक है, और सेकंड कितने देर तक हमारा जो कोई भी जो ध्वनि सुनते हैं उसका कितने देर तक असर रहता है कान पे, तो 1/10 से, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक और आपका चुंबकीय अक्ष, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एंड आपका मैग्नेटिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल है, ठीक है, अर्थ का, वो कितने डिग्री का, 18 डिग्री, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद है अस्थायी और अस्थायी चुंबक बनाने में यूज किया जाता है। तो देखिए आपको अगर मैं बोलूं कि अस्थायी मतलब जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आपको बनाना है, ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका नॉन परमानेंट है। सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विद्युत चुंबकीय बनाने में कौन सा यूज होता है, तो नरम लोहा होता है, और अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इस्पात यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कपड़ा को सुखाने की मशीन तथा दूध की मक्खन निकालने की मशीन किस पे काम करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है, और याद रखिएगा आपका जो वॉशिंग मशीन है वो भी उसी पे काम करता है। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना, ठीक है, उसके बाद है प्लॉटिंग पेपर का स्याही सूखना, ये किस पे काम करती है, तो कोशिका क्रिया पे। और याद रखिएगा कोशिका क्रिया पे एक चीज, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपका बॉल पेन होता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है, मतलब आपका सरफेस टेंशन के फेनोमेना पे काम करता है बॉल पेन। वही अगर मैं फाउंटेन पेन बोलूं, स्याही वाला पेन,
वो किस फिनोमिना पे काम करता है, तो आपको याद रखना है कैपिलरिटी एक्शन पे काम करता है। और जो आपका जो जो भी पेड़ पौधे होते हैं नीचे से जो आपका पानी लेते हैं वो भी किस एक्शन पे काम करता है, तो कैपिलरिटी एक्शन पे काम करता है। ठीक है, वही आपका लालटेन का बत्ती में ऊपर जो तेल उठता है वो भी कैपिलरिटी एक्शन से काम करता है। और आपका प्लॉटिंग पेपर जो पानी चूस लेता है तो वो किस पे काम करता है, तो वो भी आपका कोशिका सिद्धांत पे काम करता है। हीरे का चमकना, ठीक है, और आपका जो मृग बोलते हैं ना कि डिजर्ट में मृग मरीचिका बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराज बोलते हैं, ठीक है, तो ये कौन से फेनोमेना पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। याद रखिएगा यहाँ हीरा दिया हुआ, हीरा से चार बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले पूछा जाता है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो याद रखोगे 2.4 है। ठीक है, कितना है आपका 2.42 होता है, और यही इसका आंतरिक मतलब क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण जो बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, तो 24.6 है, याद रखिएगा। और हीरा क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, डायमंड जो है आपका प्योरेस्ट फॉर्म है आपका कार्बन का है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। बाकी एक चीज याद रखिएगा, यहाँ डिफरेंस करो, अगर आपको बोलेगा ठीक है कि जो आपका इंडोस्कोपी आपने पढ़ा होगा, इंडोस्कोपी किस पे काम करता है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, बट पेरिस्कोप, ठीक है, एक होता है इंडोस्कोप जो मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, तो वो किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बट अगर आपको बोले कि पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है आपका, जो समुद्र में यूज किया जाता है बाहर के लोगों को देखने के लिए, सबमरीन नीचे लगा होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा काम करता है, उसमें सिंपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रवर्तन आपको याद रखना है उसमें किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये हो गया पानी के अंदर हवा का बुलबुला, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कॉनकेव लेंस के जैसे काम करता है, याद रखिएगा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, अवतल लेंस के जैसे काम करता है, याद रखिएगा। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम उदाहरण है, तो ये अर्धचालक का उदाहरण है। अब दो चीज समझ लो, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो जो आपका प्रतिरोध है चालक में बढ़ जाएगा, याद रखना, ठीक है, वही अर्धचालक में घट जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालक में बढ़ जाएगा, और आपका जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर है उसमें आपका प्रतिरोध घट जाएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक में प्रतिरोध बढ़ जाता है और अर्धचालक में प्रतिरोध घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। मैं बाद में कभी समझाऊंगा इससे क्या क्या किस किस तरीके से होता है। तरित चालक बनाया जाता है, याद रखना, कॉपर से बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्र रूप से अगर मैं छोड़ दूं, कोई मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से अगर मैं छोड़ दूं, तो वो कैसा, ठीक है, किस तरीके से अलाइन करेगा, तो याद रखिएगा नॉर्थ एंड साउथ में अपने आप को अलाइन कर लेगा। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण में। अब देखो मैग्नेट का मैंने बात किया ना, मैग्नेट का अब याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था और ये याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो याद रखेगा क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो ताप होता है, कि अगर वो ताप अगर किसी भी मैग्नेट को दे दिया जाए तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंटली खत्म कर देगा, याद रखना। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट का परमानेंट फिनिश हो जाएगा, उसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। यहां आ जाइए, चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, एक तो मैंने क्यूरी टेम्परेचर बोला, बाकी हथौड़ा से पीटने पर गर्म करने पर भी ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम, मैंने आपको बताया था परमाणु मतलब एटम बम और आपका हाइड्रोजन बम मतलब हाइड्रोजन बम हिंदी में इंग्लिश में भी। ठीक है, एटॉम बम जो बेस्ड होता है ये हमेशा होता है आपका कंट्रोल्ड, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब विखंडन पे होता है, और आपका हाइड्रोजन कंट्रोल, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब संलयन पे। तो याद रखिएगा परमाणु बम, एटॉम बम और आपका हाइड्रोजन बम, ठीक है, तो ये है आपका नाभिकीय विखंडन, कंट्रोल्ड यहां लगना चाहिए। ठीक है, यहां कंट्रोल नहीं लगा हुआ, कंट्रोल होगा आजकल ऑप्शन अपडेट करके दिया जा रहा है, तो कंट्रोल नाभिकीय विखंडन और कंट्रोल नाभिकीय संलयन। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि हाइड्रोजन बम का डिस्कवर किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था, और दो नाम जुड़ा हुआ है आपका एटम बम से, मैंने आपको क्या बताया था, ओटो हॉर्न ने इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, पर इसका विकास किसने किया था एटम बम का, तो ओपेनहेयर ने। तो ओटो हॉर्न और ओपेनहेयर दोनों नाम याद रखना, कोई ऑप्शन में एक होगा एटम बम आएगा तो। ठीक है, और याद रखिएगा जापान पे कौन सा बम गिराया गया था, हाइड्रोजन या एटम, जल्दी आप कमेंट करोगे। ठीक है, चलिए जीव के अवशेषों के, ठीक है, आयु का पता, देखो दो चीज आपको याद रखना, एक याद रखना आपको कार्बन डेटिंग, ठीक है, और एक याद रखना आपका यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग जितने भी जीवाश्म है उसका एज पता लगाने के लिए होता है, और जो आपका यूरेनियम डेटिंग है निर्जीव चीजों का, निर्जीव जैसे पत्थर हो गया,
अर्थ का अगर एज पता करना है तो आप क्या करोगे, कार्बन डेटिंग से नहीं, यूरेनियम डेटिंग से आप पता लगाओगे। ठीक है, तो देखिए जीवों के अवशेषों का आयु का पता लगाया जाता है आपका कार्बन डेटिंग से, और आपको पुराने चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि को आयु की जाती है आपके यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां आ जाइए, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया नियंत्रित किए जाते हैं। देखो जब भी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का बात करेंगे, सबसे पहले आप बात करोगे नियंत्रक के बारे में, जिसमें नियंत्रक छड़ के बारे में बात करोगे तो आपका आएगा बोरोन एंड कैडमियम का छड़, ये हो गया। दूसरा आपको पूछा जाता है मंदक के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो मंदक के रूप में जो यूज किया जाता है ग्रेफाइट, एंड आपका क्या यूज किया जाता है आपका भारी जल जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम लोग कूलेंट मतलब शीतलक के रूप में भी यूज करते हैं। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं सिर्फ नियंत्रित छड़ के रूप में तो आपको याद रखना है बोरन एंड कैडमियम, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि आपका मंदक के रूप में तो आपका DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट, और अगर मैं बोलूं शीतलक तो शीतलक में क्या होता है आपका बहुत सारे यूज होते हैं बट आपका उसमें DTO भी यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो नाभिक रिएक्टर के नियंत्रक के रूप में हो गया आपका बोरन एंड कैडमियम, हमने यहां बता दिया। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पानी जल्दी उबलने लगेगा और खाना आपका देर से बनेगा, यही चीज आपको बताया हुआ, क्योंकि वायुमंडल दाब कम होने से जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट आपका घटता जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आपका क्वथनांक जो होता है किसी भी जल का क्वथनांक बिंदु जो होता है और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है साथ में काम करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वायुमंडल दाब बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक बिंदु भी साथ में बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम हर चीज आपको पढ़ाया गया, कुछ ऐसा चीज ही नहीं, ये तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपको तो बोटनी तक करवा दिया गया है तो और क्या आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं जीवों के आसम, ये सब हो गया, नाभिकीय रिएक्टर हो गया, पहाड़ों पर खाना बनाना हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो एक्सरे है। ठीक है, जो एक्सरे का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखेगा रोंटेजेन ने किया था 1895 में। अब याद रखो, अगर आपको बोलेंगे अल्फा रेज और बीटा रेज इसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है इसका डिस्कवर किसने किया था, आपको याद रखना है रदरफोर्ड ने। रेज का मैं बात, रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवर किया था वो बेकुरेल ने किया था, पर अल्फा और बीटा रेज का किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गामा रे का डिस्कवर किसने किया था, तो विलार्ड ने किया था, याद रखिएगा। और थोड़ा सा अगर मैं इसको ये करूं, जो क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको फंसाएगा, अल्फा और बीटा रेज जो है याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये सिर्फ एक रेज है, किरणें हैं, बट जो गामा रेज है ये क्या है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैंसर का इलाज में प्रयोग किया जाता है, आपको पता है कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 आपका विटामिन B12 में मिलता है, और विटामिन B12 इन एनेमिया को ठीक करने में भी बहुत सहायक होता है। साबुन का बुलबुला रंगीन, दो क्वेश्चन यहां से बीपीएससी में पूछा गया था, एक तो याद रखना जो पानी के ऊपर हम लोग तेल डाल देते हैं तो क्या दिखता है, बहुत रंगीला दिखता है, क्यों, क्योंकि व्यतिकरण के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस के कारण। दूसरा याद रखोगे साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, पानी के ऊपर तेल डालने से रंगीन दिखता है, दोनों का याद रखोगे व्यतिकरण। ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी आपने पढ़ा होगा जो मैंने डिटेल में पढ़ा है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है, क्योंकि उसके कम घनत्व के कारण। ठीक है, याद रखिएगा बादलों की दिशा या गति मापने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है बादलों का गति, ठीक है, और दिशा नाप, गति दिशा या गति मापने में क्या नेफोस्कोप यूज किया जाता है, क्या या क्या यूज करता है, नेफोस्कोप यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने करवाया था विंड वैन, ठीक है, विंड का कितना इंटेंसिटी है, ठीक है, कितना तेज वो बह रहा है, वो तो आप एनेमोमीटर से नाप लोगे, पर वो किस डायरेक्शन में बह रहा है वो किससे नापोगे, विंड वैन से नापोगे, वो भी चीज आपको याद करके रखना है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मैंने अभी इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, ये क्या होता है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√L/g। ठीक है, याद रखना, 2-3 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% इंक्रीज कर दिया, मान लो इसका 4% यहाँ इंक्रीज करेगा तो एग्जैक्टली उसका टाइम कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर आप वापस लौटने के लिए जो बल लगाया जाता है प्रत्यास्थता बल बोला जाता है, इलास्टिसिटी, याद रखिएगा। ठीक है, उसको वापस आने के लिए
जब एक गैस के पात्र में दाब, देखो जब भी कोई एक गैस लेते हो, ठीक है, जब भी कोई गैस लेते हो उसमें अगर आप उसका प्रेशर उस पर इंक्रीज करोगे तो क्या उसका द्रव्यमान चेंज होगा? जी कभी चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उसका द्रव्यमान याद रखिए अपरिवर्तित रहता है, प्रेशर पे उसका द्रव्यमान गैस का डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल याद रखना, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन कहां यूज किया जाता है? तो रॉकेट में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। पानी से भरे गिलास में, ठीक है, पानी से भरे गिलास में अगर एक बर्फ तैर रहा है, ठीक है, और बर्फ पूरा उसमें क्या हो गया, पिघल गया, तो पानी से में क्या होगा, पानी का जो मात्रा है क्या होगा, वो समान रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पानी और क्या का बात कर रहा है, आइस का बात कर रहा है, ये चीजें चेंज भी होती है, ठीक है, अगर लिक्विड चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पानी है और आइस है तो दोनों समान रहेगा उसका खत्म होने के बाद भी, अगर वो पिघल भी जाता है पूरा तो, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है लॉ ऑफ फ्लोटिंग। मैंने आपको बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया था, क्या कि अगर बोला जाता है ना, अगर कोई भी वस्तु अगर पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। ये किसने थ्योरी दिया था? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था, याद रखिएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए क्या होता है कि आपको जो मोटा आदमी होता है उसको तैरना ईजी होता है पानी में, ठीक है। चलिए अब यहां आ जाइए, देखिए उसके बाद है बालू की दिशा, ठीक है, बादलों की दिशा। ये मैंने आपको बता दिया कि बादलों की दिशा और गति नापने में क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि बादलों की दिशा या गति मापने में नेफोस्कोप यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया लोलक वाला, मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया किसी सरल लोलक की, ये बता दिया स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस प्रत्यानता बल हो गया जब एक गैस को पात्र में, तो याद रखिएगा जो गैस का जो द्रव्यमान है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, तो कोई चेंजेस इसमें आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज होता है। पानी से भरा गिलास, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरी पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी का मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया है? तो आर्किमिडीज ने दिया है, याद रखिएगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बर्फ का टुकड़ा को अगर आपस में दबाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, कहां गया 119, दाब अधिक होने से उसका क्या हो जाएगा, आपका गलनांक जो है इसका घट जाएगा, याद रखिएगा, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई अशुद्धि मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। सबसे शुद्ध जल क्या होता है, आपका बारिश का जल होता है, याद रखिएगा। पारा का हिमांक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मार्करी होता है, मार्करी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, याद रखना। देखो दो तीन चीज आप हमेशा याद रखो, आप खत्म ही होने वाला है ये फिजिक्स वाला आपका। देखो अगर आपको बोले कॉस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक होता है आपका लूनर कॉस्टिक, तो ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, याद रखिए। और एक होता है क्विक सिल्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्करी, याद रखिएगा। और फिलोसोफर उल किसको बोला जाता है, फिलोसोफर उल, तो फिलोसोफर उल बोला जाता है जिंक ऑक्साइड। बार बार क्लास में आना है, यही सब चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, मैंने आपको बताया था प्रकीर्णन जो स्केटरिंग सबसे ज्यादा होगा किसका होगा, आपका बैगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। गाड़ी के, ठीक है, साइड मिरर में प्रयुक्त जो रियर व्यू होता है, बाइक चलाते हो गाड़ी छोटा सा जो लगा तो जो पीछे देखते हैं, उसमें कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दो जगह याद रखना, एक याद रखना मिरर, ठीक है, ये सबको पता होता है, जो दूसरा बता रहा हूं उसको ध्यान रखना, जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट, बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट होता है उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ठीक है। एक होता है अवतल या उत्तल मिरर के बारे में बात कर रहा हूं, एक होता है अवतल मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है, सर्च लाइट हो गया, ठीक है, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, ठीक है, और उसके बाद जितने भी डॉक्टर हैं जो दांत देखते हैं, ENT स्पेशलिस्ट है, वो सब आपका वही यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्वनि ये हो गया आपका उत्तल एंड अवतल लेंस, ठीक है। तो साइड मिरर में क्या होता है, आपका उत्तल लेंस यूज किया जाता है, और चिकित्सक जो होते हैं आपके अवतल लेंस, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, मैंने अभी बताया था 17 मीटर एटलीस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा, और ध्वनि का तरंगों का प्रवर्तन, मतलब आपका रिफ्लेक्शन, याद रखना है, ठीक है। ल्यूमेन किसका, ल्यूमेन तथा वाट, याद रखिएगा। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेगा तो वो होगा आपका किसका यूनिट, तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, कैंडेला। बट अगर आपको ल्यूमिनस फ्लक्स दिया होगा तो उसका यूनिट क्या होता है आपका, उसका जो होता है ये होता है ल्यूमेन। और वाट किसका है, आपका
शक्ति का वाट, वाट किसके आपका शक्ति का, शक्ति मतलब क्या होता है आपका पावर, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपको हमेशा ही आता है, पावर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, मतलब शक्ति इक्वल टू लिखते हैं पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, वर्क बाई टाइम। और पावर को और क्या लिख सकते हैं, वी आई, पावर को और क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, टी टाइम है, यहाँ वी वोल्टेज है, आई करंट है, यहाँ डब्ल्यू आपका मतलब कार्य है और टी आपका टाइम है। ये तीनों फॉर्मूला याद रखे, किसी में भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नाभिक का नाभिक का आकार होता है, याद रखेगा। देखो अगर न्यूक्लियस का बोलेगा तो याद रखना 10^-15, बट अगर सिर्फ वहां एटम दिया होगा मतलब परमाणु दिया होगा तो याद रखेगा 10^-10, याद रखना, ठीक है, मीटर, दोनों में डिफरेंस। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, आपको पता है वो हेनरी बेकुरेल ने किया था, वो चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां तक हमने आपको फिजिक्स वाला अभी कंप्लीट करवा दिया है। सबसे पहले ये बताइएगा आपको कैसा लगा, हम तो अपना जान लगा ही दिए, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एटलीस्ट आप लोग देख रहे हो, ठीक है, मेरे चैनल पे आ रहे हो, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपसे प्रॉमिस करते हैं यहाँ जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी द बेस्ट अमंग ऑल, ठीक है, सबसे बेस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज मैं फिर से बोला हूँ, नीचे लिंक दिया होगा, स्पीडी वाला 7 वीडियो जो 1-1 घंटे का लिया गया वो देख के जाना, कुछ भी बाहर आपका नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे वो होगा आपका केमिस्ट्री का और उसके बाद बायोलॉजी का। जय हिंद।